छवि, ये साफ गेहूं है, इनमें कंकर मत फेंकिए। आंखें बंद करके काम कर रही है के? कायदे से चूक गेहूं रे, मारे सामने आंखें फाड़ फाड़ करके देख रही है। इसके बाद दाल पीसने के लिए दूंगी, वहां गुस्सा दिखाना, दाल बारीक पिस जाएगी। आंखें दिखावे मन ने। अब बड़ी ना दिक्कत होने वाली है, शाम को पाइपलाइन में मरम्मत होगी और अगले 3 दिन तक पानी नहीं आएगा, क्या करें? जितना भर सकते हो भर लो। ना जाने के आग लग जावे इन पानी वालों को, जनता को परेशान किए बिना इन लोगों के गले से आधी रोटी ना उतरे, आए दिन पानी की मारा मारी रहे। भगवान, एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन भाभू, इतना सारा पानी भरेंगे कैसे? कैसे के? बाहर गली के नल से बाल्टी भर कर ले आना पड़ेगा। आज तो भाभू वैकुंठ धाम पहुंचा के ही छोड़ेंगे मुझे। विक्रम, एक काम कर, सूरज की दुकान से आदमी भेजते पानी भरने के लिए। ये अकेले बीनियों की बस की बात ना है। मैं करता हूँ भाव। ले, चाय पी के जा। भाभी, क्या आप वोट देकर आ रही हैं? जी। बाबू, आप तो बहुत तारीफ कर रही थी ना अपनी संध्या बीनने की। आपको जाना नहीं है कि आपकी पीठ के पीछे क्या किया है उन्होंने? क्या किया इसने? वोट देकर आ रही है ये। के? हाँ, यकीन नहीं होता तो पूछ लो उनसे। बीनड़ी, तू वोट देकर आ रही है? जी बाबू। देख लिया भाभो, और यहाँ पर हम सब सोच रहे हैं कि सूरज बेक स्टॉल पे मदद कर रही हैं। कुछ नहीं, इनको ना गेहूं चुगने से बचना था। नहीं भाभो, मैं वहां हूँ। बस कर, एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगी बीनड़ी? किससे पूछ कर गई थी तू वोट देने? जी वो, मैंने सोचा सब गए हैं तो। फिर झूठ, घर पर किसी को ना देख भागी बोर्ड देने, काम से जी चुरा के। भाभो मेरा विश्वास कीजिए, मैं काम से बचने के लिए नहीं गई थी। मैं आज ही ये सारे के सारे गेहूं साफ कर दूंगी, लेकिन इस तरह का गलत इल्जाम। बीनड़ी, अपनी हद में रहे, जुबान संभाल कर बात कर हमारे सामने। सासू में थाली, एक तो बिना पूछे मनमानी करती फिरे है, और ऊपर से हमारे सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखावे है। शर्म छूट गई के सासू की? नजर नीचे राख। भाभो, ना तो मैंने झूठ बोला है और ना ही मैं काम से भागी थी। मैंने वोट दिया है, कोई गलत काम नहीं किया जिसकी शर्मिंदगी में मेरी नजरें नीचे झुके। गलत काम ना किया तूने? पूछा था मारे से? पूछा था इनसे कि वोट डालने जाऊं? बताया था किसी को कि मैं वोट डालकर
इस घर के नियम को तोड़ने जा रही हो? मतलब वोट ना देना इस घर का नियम है? हाँ, इस घर का कोई भी सदस्य वोट नहीं डालता। कि सूरज गया था थारे साथ वोट देने? बता, पति मिठाई की दुकान पर काम में लगा होगा और तू पंचायती करती फर फर वोट देने चली गई। बेशरम, पति से ऊपर जाएगी बेनणी तू। शांत हो जा संतोष, माफ कर दे इसे। नहीं है, इसे के पता वोट नहीं देते। नहीं, मैं इसे माफ नहीं करने वाली। बेनणी, अपनी गलती मान ले, अपनी सासू के पैर पकड़ और माफी मांग, और कसम खा कि आइंदा वोट देने कभी नहीं जाएगी। बाबू, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके पैर छूने में भी मुझे कोई दुख नहीं है। बड़ों का सम्मान करना छोटों का फर्ज होता है। लेकिन बाबू, मैं ये नहीं मानती कि मैंने वोट देकर कुछ गलत किया है। पापा कहते थे कि वोट देना हमारा फर्ज है, और अगर हमने अपना फर्ज ना पूरा किया तो हमारे अधिकार हमसे छीनते रह जाएंगे। गलत लोग चुन के आए तो ऐसे ही घरों में बिजली कटती रहेगी, पानी की पाइपों की मरम्मत सालों होती रहेगी। हमारे कर्तव्य तो हमें पूरे करने ही होंगे भाभो। चुप, बस अब एक सब बिना। ठीक है, तू गलती मानने के लिए तैयार ना है ना? फिर सजा पाने के लिए तैयार हो जा। और थारी सजा ये है कि बाहर गली के नल से बाल्टी भर भर के पूरे घर के लिए 3 दिन तक का पानी भरेगी। बेनणी, जे तैयार है सजा के लिए तो उठाइए बाल्टी। रुक जा बेनणी। संतोष, ये क्या बचपना है? बेनणी अकेले इतना पानी कैसे भर पाएगी? जे छोड़, माफ कर दे इसे। माफ करती हूँ? किस बात के लिए? मारे से जबान लड़ाने के लिए या मारे सामने झूठ बोलने के लिए? मारे सामने अकड़ दिखा रही है? देखो तो सरी, मैं भी कब तक इसकी ये अकड़ और जिद ऐसी ही बड़ी रहती है। चतुरी, जा
लेकर आ पानी भरने के लिए। लेकिन वो भाभी, क्या कहा मैंने? छोटी बीनड़ी, तू क्या कर रही है? जा, तू भी जा। जी बाबू। भाभी साहब दीजिए ना, बाबू ने आपको कुछ कहा क्या? तो फिर दीजिए ना, सूरज भी नहीं है तो क्या हुआ? लाइए मुझे दीजिए। नहीं छोटू, मैं ले जाऊंगी। हर रोज नानी की बाल्टी मैं ही तो उठाता हूँ। लाइए दीजिए। नहीं छोटू, जिद नहीं करते। अपनी भाभी साहब की बात नहीं मानोगे